दोस्तों, मैं समीर और आप देख रहे हैं जख्मी परिंदा समीर के साथ। तो दोस्तों, आज का जो वाक्य वो बादशाह और कुम्हार का है। इसको बहुत ही मतलब एक ऐसे अंदाज में बताया गया है कि जिसको अगर सुना जाए तो ज़िंदगी वो कड़ी है जो हम खुद परोते हैं और खुद ही तोड़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बादशाह और कुम्हार के इस वाक्य को। रियासत में एक बादशाह रहा करता था। वो अपनी आवाम की बहुत ज़्यादा चिंता किया करता था। अगर उसको कोई भी मसला दिख जाता था, कोई परेशानी आवाम के अंदर दिखती थी, तो उसको बखूबी निपटाया करता था बिना झिझक के। आवाम की चिंता, खाने पीने से लेकर बहुत सारी चीज़, मगर फिर भी उसकी आलोचनाएँ होती थी, उसके खिलाफ लोग बोलते थे, उसको गलत ठहराते थे, तरह तरह की बातें किया करते थे। एक दिन बादशाह ने अनाउंस किया रियासत के अंदर कि मैं उस व्यक्ति को बादशाह बनाऊंगा ता उम्र के लिए, जब तक वो जिंदा रहता है उस व्यक्ति को बादशाह बनाऊंगा जो एक रात, सिर्फ एक रात कब्र के अंदर काटे। अगर वो जीवित रहा, जिंदा कब्र से निकलता, तो मैं अगले दिन उसको बादशाह की गद्दी पर बैठा दूंगा। जब ये अनाउंस होता तो रियासत के अंदर जो जनता होती है उसके मन के अंदर तरह तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं। गुफ्तगू लोगों में शुरू हो जाती है, खुसर पुसर लोगों के अंदर शुरू हो जाती है, मगर कुछ लोग इसको अजीब अजीब तरह के रंग देना शुरू कर देते हैं। कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ राजा की, बादशाह की जो है कोई सोची समझी साजिश है, कुछ वगैरह वगैरह। लोगों की अपनी सोच है, अपना नज़रिया है, तरह तरह के सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। अब उस रियासत के अंदर एक नहायत ही गरीब और मुफलिस कुम्हार रहा करता था, जिसका मकान टूटा हुआ था, जिसका ना कोई आगे था ना कोई पीछे था, नहायत ही गरीब और मुफलिस। टाइम का कमाना, टाइम का खाना, सिर्फ एक गधा था उसके पास में, जिसके साथ में वो अपने दिनचर्या को काटा करता था। उस कुम्हार के दिमाग में सवाल आया कि इस बादशाह के अलंस को, इस चुनौती को जो है मैं कबूल कर लेता हूँ। अगर मर गया तो जो दुनिया मर रही है वही मेरा हाल है, और जिंदा बच गया तो बादशाह तो बनूंगा ही। अगले दिन वो बादशाह के दरबार में पहुंचता है और कहता है कि बादशाह सलामत, जो आपने अलंस कराया था उसके हिसाब से मैं रात काटने के लिए कब्र में तैयार हूँ, क्या आप मुझे बादशाह बना सकते हैं? तो बादशाह ने कहा बिल्कुल। अलंस हो गया कि कुम्हार जो है राजी हो गया कब्र के अंदर बैठने के लिए, और जो भी देखना चाहते हैं वो आकर देखें। लोगों का तांता लगना शुरू हो गया, लोगों ने तो वहीं बिस्तर बिछा दिए 1 किलोमीटर के दायरे में कब्र के चारों गिर्द, और नजरें गड़ा दी कब्र के ऊपर कि बादशाह अब कुम्हार को कब्र के अंदर बंद करेगा। कब्र के अंदर कुम्हार को बंद किया गया। अब दोस्तों, वो कब्र थी, कोई मकान या कमरा तो था नहीं जिसके अंदर आराम से लेटो और आराम से इधर से उधर उठ बैठ के चल फिर कर सकते हो। कब्र थी, कभी कुम्हार बैठ जाता, कभी लेट जाता, कभी उखरू खड़ा बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी करबड़ ले लेता, मतलब सुकून नहीं मिल पा रहा था उसको। वो बड़ा टेंशन में हो गया था, ये क्या रात मुझसे कटेगी कैसे। कुछ देर बाद फरिश्ते हाजिर होते हैं। फरिश्ते हाजिर होते हैं तो कुम्हार से सवाल और जवाब का सिलसिला जारी हो जाता है। फरिश्ता पूछता है कि तूने अपनी ज़िंदगी में कितने गुनाह किए हैं? तो कहता है साहब, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। फिर उसका नाम पूछ के और उसका खाता खुलता है। फरिश्ता दूसरे फरिश्ते की तरफ इशारा करता है कि खाता खोलो इनका। पूछते हैं आपका कोई अपना, अपने गुनाह कितने किए हैं? तो कहता है साहब, मेरे तो दौलत ही नहीं है, मेरे पास मकान भी टूटा फूटा था, मेरा कोई अजीज़ नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, ना मेरे बीवी बच्चे, मैं क्या गुनाह करूँगा, दौलत नहीं, मैं क्या गुनाह करूँगा। तो फरिश्ता कहता है, फाइल खोल के देखता कि तेरे पास एक गधा था। कहता हाँ सब था। तूने उस गधे को प्यास की हालत में काम कराया और उस गधे को परेशान किया, उस गधे को मारा, उसको पानी भी नहीं दिया था, और वो उस प्यास की शिद्दत की वजह से काफ़ी परेशान हुआ, काफ़ी बदुआएँ उसने तुझे दी। तो कुम्हार ने जब ये सुना तो थोड़ा चौंका, और उसको याद नहीं था, तो वो बोला साहब हो सकता है मुझे कुछ याद नहीं। फिर फरिश्ते ने तीसरे फरिश्तों को इशारा किया, इसके 100 गोले मारे गए, कुम्हार को 100 गोले मारे गए। अब कुम्हार जो था उसकी सिट्टी मिट्टी गुम, अब वो ये सोचने लगा कि मेरे साथ ये हो गया। फिर
फरिश्ते रिश्ते ने पूछा जो खाता खोले कुम्हार का बैठा हुआ था कि ये बता तूने कभी गधे की तबीयत खराब होने के बावजूद उससे काम लिया और पूरा दिन काम लिया। तो कुम्हार ने ऊपर की तरफ देखा और सोचा कि हो सकता है साहब आपके पास फाइल है उसमें देख लीजिए, मुझे कुछ ध्यान नहीं। फिर तीसरे फरिश्ते को इशारा किया गया, फिर सौ गोले मारे। अब कुम्हार जो था वो ये सोचने लगा कि मैंने बादशाह के चक्कर में कहा ये मुसीबत मोल ले ली, अच्छा खासा कमा रहा था, अच्छा खासा खा रहा था, मगर कहा मैं बादशाह के लालच में पड़ गए, ये नई मुसीबत मैंने मोल ली। सोचने वाली बात है, लालच बुरी बला है। इस तरह से कुम्हार को काफी कोड़े पड़ चुके थे, फरिश्ते जा चुके थे। इससे पहले कि अगले दिन फरिश्ते आते हैं, सुबह कुम्हार को कब्र से निकालने का प्रोग्राम शुरू हो गया। लोगों की निगाह जो टिकटिकी बांध कर कब्र पे टिकी थी, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कुम्हार देखते हैं जिंदा निकला तो हमारा नया बादशाह है, और मर गया तो अफसोस है। कुम्हार को कब्र से जैसे निकाला गया बादशाह के सिपाहियों के द्वारा, कुम्हार ने ना इधर देखा ना उधर, वहां से दौड़ लगा दी, भागता गया जितना भागा गया, और इतनी दूर जाकर रुका जब तक उसने ये नहीं देखा कि मेरे पीछे कोई दिख रहा है या नहीं। जब उसको कोई दूर दूर तक नहीं दिखा तब वो एक पेड़ के छांव में बैठ कर थोड़ा आराम किया। बादशाह को जब इस बात की इतला हुई कि कुम्हार कब्र से निकल कर तुरंत भाग गया है, तो उसने कुछ सिपाही उसको ढूंढने के लिए भेजे। कुम्हार को जैसे तैसे पकड़ा गया, बादशाह के दरबार में शाम को हाजिर किया गया। रात को बादशाह की तरफ से उसको बादशाह की दावत दी गई। अगले दिन सुबह पब्लिक को ऐलान करके बुलाया गया कि भाई बात कुम्हार की ताजपोशी होनी है, कुम्हार को जो है बादशाह की गद्दी पर बैठाना है, तो पब्लिक का आना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। पब्लिक आई। अब कुम्हार को सामने जब बादशाह ने कहा कि हम आपको आज से पूरी रियासत का बादशाह घोषित करते हैं और इस गद्दी पर आज से आप बैठेंगे और हम अपने बादशाह के पद से इस्तीफा लेते हैं, तो कुम्हार जो था वो पैरों में बादशाह के गिर जाता है, हाथ जोड़ता कहता है हुजूर मेरे साथ जो एक रात में वाक्य गुजरा है, जो मंजर गुजरा है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहा। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मंजर गुजरा है बताइए, और जो रियासत की पब्लिक यहाँ आती है वो भी सुनना चाहेगी। कुम्हार को एक मैक दिया गया, उससे पूछा गया कि अब आप बोले ताकि आपकी आवाज़ दूर दूर तक जाकर लोग सुने। बोला साहब कब्र के अंदर फरिश्ते आए और मुझसे पूछा कि आपने गधे को परेशान किया है। लोग हंसने लगे कि भाई गधा तेरे पास से, तू गधा तू ये परेशान करे या तू गधे को बात की। बोला साहब गधे की वजह से मैं कई बार पिट गया, न जाने मैंने कितने कोड़े खाए एक गधे की वजह से जिसका मैं हिसाब नहीं दे पाया, एक गधे का। यहाँ तो हुजूर पूरी रियासत है और यहाँ हर तरह के दिमाग के लोग हैं, हर आदमी की अपनी अलग सोच है, कितना बेहतर भी करोगे फिर भी कमियाँ निकलती हैं। मैं सिर्फ एक गधे का हिसाब नहीं दे पाया तो पूरी रियासत का हिसाब कैसे दूंगा साहब। आपकी रियासत, आपकी बादशाहत, आपकी गद्दी, आपका रुतबा, आपका पैसा, बादशाह सलामत, आपका मुबारक हुजूर, मुझे मेरी गरीबी, मेरी मुफलिसी, मेरी तंग हाली, मेरी तंग हस्ती, मेरा एक गधा, मेरी टूटी मटिया, मुझे मुबारक हो, मैं आपके पद से इस्तीफा लेने से अपनी गद्दी आपकी गद्दी लेने से पहले इस्तीफा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। इतना कह गया वो उल्टे पैरों वापस चला गया। तो ये वो घटनाएं होती हैं, ये वो मतलब सच्चाई होती है जो इंसान की ज़िंदगी में आजकल हो जाती है। ऐसी ना जाने कितने कहानियां हैं, कितने वाकया हैं जो आप तक मैं लाना चाहूँगा और लाऊंगा इंशाल्लाह ज़रूर। सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें समीर के साथ।